गांव का नाम कुलधरा, जैसलमेर के पास। गांव की खासियत, ये गांव करीब 500 साल पहले एक ही रात में उजड़ गया। सेनापति थे सालम सिंह, जो इसी गांव की एक कन्या से शादी करना चाहते थे और वो विवाह नहीं हो सका किसी भी कारण से। सालम सिंह के अत्याचार से बचने के लिए गांव के लोगों ने रातों रात इस गांव को खाली किया और यहां से छोड़कर चले गए। ये देखेंगे आप खंडर, ये घर, ये गांव नहीं लगता, ये अपने जमाने में शायद 500 साल पहले एक अच्छा बड़ा शहर रहा होगा। रेगिस्तान के बीच में ये बसा हुआ ये शहर रहा होगा, जहाँ पे गलियां हैं, मकान हैं। और ये देखिए ये घर किस तरीके से बना हुआ है, पानी की निकासी का जगह है, नालियां हैं, घर है, झरोखे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप देखें तो मेन दरवाज़ा अंदर जाने का, और उससे आगे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या जो भी साधन रहा होगा उसके खड़े करने की जगह भी है। किंवदंती है जाते वक्त जो यहाँ पर लोग रहते थे, जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण कहलाते थे, उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि कोई भी इस जगह पर आकर रहने की कोशिश करेगा तो वो बस नहीं पाएगा। सुमित जी यही सही रहा इसका लॉजिक और आज तक है कोई भी नहीं। और आज तक इस गांव में कोई लोग आते हैं विजिट करने के लिए, लेकिन यहां पर कोई इस जगह पर रहने नहीं आया। ये देखिए अपने समय में कितना भव्य रहा होगा ये घर। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक मंदिर है, ये छतरी है। इस मंदिर और छतरी को छोड़ के ये पूरा गांव जो है या शहर जो है उजड़ चुका है। मैं मंदिर की छत पर खड़ा हूँ जैसलमेर के पास। ये देखिए कि गांव के लोग कितने समृद्ध रहे होंगे। ये ऊपर झरोखा, मेन दरवाजा, और ये शायद घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी रखने की जगह रही होगी। इसी गांव का एक और घर, जो कि शायद इस जगह का सबसे बड़ा घर था। ये देखिए छत जिसमें ये लकड़ियां फंसाई गई हैं और ऊपर पत्थर और मिट्टी का लेप किया गया इसके ऊपर, ये गाड़ी खड़ी करने या जानवरों को खड़ा करने का स्थान। और ये देखिए कि इस घर में जाने का ये रास्ता और पानी की निकासी के लिए खूबसूरत इंतजाम। बाहर का हिस्सा जहाँ पे कि परिवार के पुरुष सदस्य या मेहमान आते थे, पुरुष लोग यहीं पर रुकते थे। खिड़कियां भी हैं और ये जनाना ड्योढ़ी। ये इस जगह का सबसे बड़ा मकान है, वो पिलर स्तंभ है इसके अंदर, वो करते हैं ना वो करके पिलर इसके अंदर डाल देते गोल वाला। ये स्थान जहाँ पे कि गेहूं वगैरह या चीजों को कूटने का स्थान, ये पत्थर है जिसको आधी कटोरी में बनाया गया है और इसी में
उसको धान को या गेहूं को कूटा जाता था। दिया रखने का स्थान और ये दरवाजा अंदर, छत कितने खूबसूरत ये पिलर हैं, चौरस कटे हुए, ज्यादा अलंकरण नहीं है। और ये देखिए कि छत को रोका गया है मजबूत पत्थर के खंभों पर, और उनके ऊपर फिर एक पत्थर की ही रोक लगाई गई है। दोनों तरफ पत्थरों पर बीच में ये लकड़ी लगाई गई है। घर अंदर का हिस्सा रोशनी के लिए पूरा रोशनदान, और उसी तरीके से किसी भी तरीके से देखें इस जगह को, ये स्थान बीच में खुला हुआ दालान, रोशनी की पूरी व्यवस्था, हर एक कमरे में पूरी रोशनी की जगह है, हवा है, खिड़कियां हैं, और ये यहां से बाहर निकलते हुए ये वही रास्ता जिससे हम अंदर आए हैं। सीढ़ियां ऊपर छत पे जाती हुई, किसी भी हिंदू सनातन के घर में प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति अनिवार्य रूप से हुआ करती थी, जो आज भी है। छत से पानी निकलने का रास्ता, परनाला जिसे कहें, जमीन पर पानी निकालने का रास्ता, यहां पर भी पत्थर लगा हुआ है ताकि वो फर्श को खराब ना करे। और ये जल निकासी का पहाड़ का, ये एक मंदिर है। मंदिर को तोड़ा नहीं गया, लेकिन शायद समय के अनुसार यहाँ पर जब कोई नहीं था मूर्तियां शायद उठा कर ले गए। मंदिर का भीतर का हिस्सा, नीचे द्वारपाल, ऊपर जो भी ये मंदिर था, इष्ट देवता उनका स्थान और गर्भगृह। ये प्रदक्षिणा, इस ये एक मूर्ति है, ये और एक ये गणेश जी की मूर्ति है।